स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल द मोटो सेक्टर में। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ऐसे कि हमारे कॉलेज में आज एनुअल फंक्शन, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे काम है, मैं वो काम निपटा के एनुअल फंक्शन में जाऊँगा, तो आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है वहाँ पे, मज़ा तो होता है और देखते हैं कि और क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है अपने को। चलिए मिलते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, मज़ा तो बहुत आएगा। बाकी मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, मेरे घर का रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो अभी हमारा आया हुआ रखा हुआ है, इसीलिए उसको इग्नोर करना, मेरे ऊपर फोकस करो। चलो मिलते हैं राइट पर। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया हूँ रूट पर, शुरू करते हैं अपन अपनी राइट क्या। अब जा रहे हैं अपना काम निपटाने, काम खत्म कर लेते, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है, बाकी क्या करेगा। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आ तो गए ऊपर, रूट पर जा रहा हूँ अपना काम खत्म करने, काम जैसे खत्म हुआ तुरंत ही मैं पहुँचूँगा अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहाँ हमारे यहाँ का एनुअल फंक्शन होने वाला है। बाकी मैं तो कॉलेज यूनिफॉर्म पर ही जा रहा हूँ, अपना खुद भी अपने गेटअप है ही नहीं, आपने किसी भी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए नहीं थे, ना डांस का ड्रामा अपने को ये सब आता ही नहीं है। अब आप लोगों को से झूठ क्या बोल रहा। बाकी मैंने ये रोड का कभी ब्लॉग बनाया नहीं है, जबकि मेरे घर के पास भी है। बाकी मैं बता दूँ, अगर जो भी अगर आप लोग कभी नागपुर से आएंगे ना, मैं आ रहा हूँ भंडारा रोड से, ये भंडारा रोड है, पीछे सीधा जो रोड जा रहा है ये भंडारा को जाता है, गोंदिया भंडारा रायपुर छत्तीसगढ़ को इंटर होता है, ये लेफ्ट वाला कभी तो चालू होने का राइट वाला कलमना को जाता है, कलमना मार्केट अपने एशिया का नंबर वन मार्केट है, आप लोग चेक करेंगे ना गूगल में उसमें भी आ जाएगा। ताकि मैं सीधा जा रहा हूँ वर्धमान नगर में, मेरा काम भी वर्धमान नगर पर ही है, वो समझ जाइए आपकी एक दो घंटे का काम है, एक दो घंटे में मैं उसको ख़त्म करके जल्दी से पहुँचूँगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम 10:30 बजे चालू होने वाला था और अभी बज रहे सुबह के 9। और बाकी वहाँ पे हमारे क्लास वालों ने भी पार्टिसिपेट किए कि नहीं पता मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं कॉलेज भी नहीं गया, अभी इसके पहले पिकनिक गई थी मैं, पिकनिक का भी ब्लॉग बनाना भूल गया, आधा ब्लॉग मैंने बनाया था, बाद में वो अंदर जाने का मैं मेरे ध्यान से निकल गया कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। अभी परसों वो क्या ट्रेडिशनल डे था, ट्रेडिशनल डे का भी ब्लॉग नहीं बना है, पर ये आज का मैंने सोचा एकदम से मेरे ध्यान में आया कि ब्लॉग बनाना चाहिए। वर्धमान नगर पर है यहाँ पे, ये है नाक
नागपुर की सिविल लाइन है, मैं थोड़ा आउटर में रहता हूँ, वो वैसा थोड़ा गांव टाइप ही इलाका है ये समझ लीजिए, पहाड़ी। बाकी मुझे जहाँ जाना है मैं तो पहुँचने वाला हूँ, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, रॉन्ग साइड नहीं काम है। टर्न जाना पड़ेगा मुझे, मेरे कॉलेज को नहीं है यहीं पर है, जो सेट दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे तैयारी चालू है, इसका एंट्री कहाँ है मेरे को ये भी नहीं पता, यहाँ से मेरा रास्ता बंद करके रखे, बट मैं जाऊँगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था ये गाइस, मुझे यहीं पे काम है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आ तो गया हूँ, यहाँ पे है एलेक्सा, मैं आपको इनसे भी मिलाता हूँ एक मिनट। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरे को जो भी ऐसे काम है अभी आ रहे हैं अंदर, जो सोकर उठे मैं आया हूँ, तो मैं बात कर रहा था एलेक्सा की। ये एलेक्सा, एलेक्सा ये अभी अपनी साफ सफाई में लगी है, छोड़ो इसको, हम अपना काम निपटाते हैं। तो भाई एलेक्सा से तो आप लोग मिल चुके हैं, बाकी मैं फटाफट से अपना काम खत्म करके आप लोगों से हॉल पर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे हॉल पे। हाँ तो गाइस मैं पहुँच गया था कॉलेज में, यहाँ पे फंक्शन चालू हो गया है, मैं तो थोड़ा लेट हुआ, आगे मेरे दोस्त लोग हैं, आपको सबसे मिलाता हूँ। ये एंट्री है, ऐसा ऐसा है, इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे। ये हमारे इसमें क्या प्रोग्राम चालू था, पर कुछ तो हुआ बाहर के आए थे शायद, उसके वजह से अभी थोड़ा शांत माहौल है। अच्छा डीजे सौरव का ही है क्या? हाँ शायद सौरव का ही है, तिरुपति उसी का है ना, चालू हो जाएंगे। और बाकी दिखाते आगे, बाकी उतना खास कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझको, दिखाएंगे बहुत खास होने वाला है ये आगे में, अभी देखते हैं ऐसा क्या है। अभी प्रोग्राम डीजे वाके बहुत प्यारा लग रहा है, डीजे का सेटअप अच्छा है, देखेंगे तो अभी चलते हैं हम आगे ना, आपको दिखाते हैं सब कुछ आगे में, बहुत सारे वीडियो दिखाते हैं, बाकी चलो मिलते हैं आपसे आगे।
खा तो गए थे, कॉलेज का प्रोग्राम पूरा हो गया ख़त्म, मैं भी निकल रहा हूँ घर के लिए, वहाँ पे हॉल में मैंने इसलिए आगे का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, सभी लोग घर के लिए निकल रहे थे, रोड पूरा बहुत ज़्यादा क्राउड था, वहाँ पे निकल गया मैं गाड़ी पे, इसलिए आगे का वीडियो बना रहा हूँ। हो गया इधर तक ख़त्म, उतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं है, नॉर्मली था सब कुछ। मैं भी अभी निकल रहा हूँ घर के लिए क्योंकि शाम हो गई, सुबह 9 बजे मैं निकला था घर से और अभी बज रहे हैं शाम के 6। बाकी देखते रहिए वीडियो, आगे आपको और भी मोटो ब्लॉग मिलेंगे अच्छे फन राइड के साथ, हो सकता है आने वाली भी जो राइड हो वो कोई लॉन्ग डेस्टिनेशन को लेकर हो, देखते हैं। बाकी देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।